दो मासूम बच्चों को फांसी पर लटकाया, मां ने खुद को लगाई फांसी। बालक बालिका की हुई मौत, महिला का उपचार जारी। भवानी मंडी थाना क्षेत्र ग्राम डोलिया खेड़ी में एक महिला अपने दो मासूम बच्चों को फांसी पर लटकाकर खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गई। महिला व उसके बालक बालिका को परिजनों द्वारा भवानी मंडी CSC लाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों बच्चों लड़की और लड़के को मृत घोषित कर दिया। वहीं महिला का प्राथमिक उपचार के बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाकर उनका इलाज जारी कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पालिया खेड़ी निवासी राकेश पुत्र दूल्हे सिंह बंजारा ने बताया कि उनकी बहन पूजा की शादी 7 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत नारायणा खेड़ा के डोलिया खेड़ी गांव में ईश्वर पुत्र मांगी लाल से हुई थी, जिनके बेटी निशा और बेटा योगराज था। शुक्रवार 5 बजे ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि उनकी बहन और दोनों भांजा भांजी फांसी के फंदे पर लटके हुए हैं, जिन्हें ग्रामीणों द्वारा भवानी मंडी CSC लाया गया, जहां उन्हें भांजे और भांजी को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं उनकी बहन का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। वहीं डिप्टी प्रेम कुमार चौधरी ने बताया कि घटना के दौरान महिला घर पर अकेली थी। मामला हत्या का है या आत्महत्या का, इसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। भवानी मंडी से BPN न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की खास रिपोर्ट। सूचना मिली थी कि एक महिला ने अपने दो बच्चों को जहर देकर और खुद फांसी लगा ली है। पूजा नाम की महिला जो 30 साल उम्र की है और 7-8 साल शादी को हो गए, जो पालिया खेड़ी गाँव की है और जिसका ससुराल डोलिया खेड़ी में है। महिला अभी अस्पताल में भर्ती है और जहर इलाज है, और दोनों बच्चों को हॉस्पिटल में लाने के बाद घोषित कर दिया है। और बाकी घटना का कारण और क्या था इसके बारे में जांच चल रही है, और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही पता लगेगा कि वास्तविक कारण और घटना क्यों तारीख की, इसका पता जांच के बाद ही पता लगेगा। देने गया तो मेरे को ठीक है, चल नहीं मानी मेरे मम्मी पापा ने बात की 1-2 घंटे तक, नीक चली गुस्से में, बच्चे बच्ची थे, मेरे को मेरे साथ लेके जाता हूँ, बोल उनके ससुराल वालों के पास से भी ठीक है कि दवाई पिला रही हूँ, मैं गुस्सा है रहने दो। अभी मैं छोटे भाई को भेज रहा था, उसका पति रात दिन झगड़ा था, लेने गया था मैं, ले गया था, एक दिन पहले वो खुद आ रही थी, मेरी दादी माँ का हाथ टूट गया था, उसके पति ने आने नहीं दी, झगड़ा किया तो मैंने ठीक है सुबह में गया, मैं झगड़ा मत करो मैं लेके जा रहा हूँ, को आई नहीं, बिल्कुल आने को मना कर दिया, घर पे ठीक ठाक समझा के छोड़ के आया मैं। उसके बाद 5 बजे फोन आया कि लड़की मर गई, लड़का मर गया, और उनके ससुराल वालों को बोला, मेरे सास ससुर उनको भी बोला मैंने कि तुम जाकर संभालो, तो बोलते हो लड़का सौंप दिया है, लड़का सौंप दिया है, मरने दो, हम क्या करें, समझा रहे रहने नहीं दे, तुम संभालो उनके पास रहो, वो भी उनके पास नहीं रहते हैं। लड़ाई का कारण क्या था? कारण वो दोनों पति पत्नी झगड़ा करते हैं, उसका लोग तो लोग क्या दहेज वाला कोई मामला था? दहेज वाला मामला नहीं था, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, 6 साल मतलब झगड़ा दारू पी के, आपको के पति ने ही मतलब सब पति ने किया है? हाँ पति ने किया है सब, उसको समझा दे, उसका पहले सर फोड़ दिया, एक दांत पूरा तोड़ दिया, यहाँ चोट लग रही थी। आपकी बहन कहाँ है अभी? अभी हॉस्पिटल में इसके में हो गए, तो हमने मना तो भी सहमति की हो जाता है, एक ही बहन है उसका घर नहीं बिगाड़ते, एक ही जीजा कुछ नहीं बोलते उसको, लेकिन नहीं माना। अभी भी सुबह में समझा गया आसपास के और को सबको बोल के आया, ध्यान रखने का, इसका ध्यान रखने का, ये मतलब ये गुस्सा है, मैं अभी शाम को वापस आ जाऊँगा, घर का कोई भी नहीं। आपको पता कैसे चला? लड़का है 4 साल का, 4 साढ़े 4 साल का, लड़की 1.5 साल की संख्या। पता कैसे चला आपको? गाँव में फोन आया है, मैंने मेरे साले को फोन किया 4 बजे 5 बजे के समथिंग, उसने फोन नहीं उठाया, मेरी वाइफ ने किया फोन कि फोन उठाया, फोन नहीं लग रहा है, गांव से फोन आया कि लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ईश्वर नाम हाँ, दारू पीता दारू पीता था,